और संजय राउत के औरंगजेब पर दिए गए बयान से बीजेपी भड़की हुई है। अब राउत का ताजा बयान आया है जिसमें उन्होंने बीजेपी को नसीहत दे डाली है। जिथे मोदी जलमाला ले तेथे औरंगजेब जलमाला ला। शिवसेना नेता संजय राउत के इसी बयान के बाद बीजेपी बिफरी हुई है। अब संजय राउत का नया बयान आया है। राउत ने कहा कि जहां छत्रपति शिवाजी महाराज की माता जी का जन्म हुआ वहां कार्यक्रम था और औरंगजेब का जिक्र हो रहा था कि महाराज ने औरंगजेब के सामने कभी हार नहीं मानी, लेकिन इस बयान को बीजेपी अपने ढंग से समझ रही है। वो अपने हिसाब से उनका डिक्शनरी अलग है, हमारा डिक्शनरी अलग है। हमारी देशभक्ति और राष्ट्रवाद की डिक्शनरी है, उनकी स्वार्थ की डिक्शनरी है, उनकी राजनीतिक डिक्शनरी है। आप प्रधानमंत्री हो, प्रधानमंत्री पद की गरिमा रखो, ये रोना धोना बंद करिए। बहुत हो गया, 10 साल लोगों ने आपका रोना धोना देख लिया है। संजय राउत ने राहुल गांधी के बयान का भी जिक्र किया और कहा कि राहुल ने धन शक्ति का जिक्र किया था, राहुल ने दैवीय शक्ति की बात नहीं की थी। और वहीं महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग को लेकर डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का बड़ा बयान सामने आया है, जिसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि एनडीए की तरफ से जल्द ही सीटों का ऐलान किया जा सकता है। महाराष्ट्र प्रदेश की देश में यूपी के बाद लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें हैं। महाराष्ट्र में लोकसभा की कुल 48 सीटें हैं, जबकि पार्टियां कई हैं। बीजेपी शिवसेना शिंदे गुट, शिवसेना उद्धव गुट, एनसीपी शरद पवार गुट, एनसीपी अजीत पवार गुट और कांग्रेस के साथ दूसरे कई छोटे दल भी चुनावी मैदान में हैं। और यही वजह है कि महाराष्ट्र में ना तो एनडीए की तरफ से सीट शेयरिंग पर तस्वीरें पूरी तरह साफ हो सकी हैं और ना ही विपक्षी गठबंधन अभी तक सीट बंटवारे को लेकर अंतिम फैसला कर पाया है। हालांकि इस बीच सीट शेयरिंग को लेकर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने विपक्षी गठबंधन पर तंज कसा। सीट शेयरिंग पर कब जो है फैसला हो सकता है, क्योंकि महाविकास अघाड़ी भी आज बैठक कर रही है, उनके भी आज जो है सीट शेयरिंग पे फैसला आने की उम्मीद है। देखिए, वो 2.5 महीने से बैठक कर रहे हैं लेकिन उनका फैसला नहीं हुआ। हमने एक ही बैठक की 80% फैसला कर दिया, अब दूसरी बैठक करेंगे, बचा हुआ 20% भी कर देंगे।